तुझे तो अभी बहुत झेलना है, इसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो। ये अभी मरा नहीं है, ना ही मरेगा। उन सालों को छोड़ना नहीं है, काट कर रख देंगे, छोड़ना नहीं। आचार्य को फोन करो। आचार्य भाई को गोली मारी किसी ने। उठला। ये गैंग वॉर है, ये एक ही टीम है सर। उनके खिलाफ एनकाउंटर का आदेश है क्या? तो उड़ा दो उन सबको। वो हर बार बच जाते हैं सर। उनके खिलाफ ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई जानकारी है सर। शंकर एरवाड़ा टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग है सर। ही इज एन एमटेक, मास्टर ग्रेजुएट फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी। वो कोई मोबाइल यूज नहीं करता सर, वो सिर्फ लैपटॉप यूज करता है। इसीलिए वो बहुत हाई लेवल पर क्रिमिनल एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से अंजाम देता है। हफ्ता वसूली, सुपारी किलिंग, गैम्बलिंग, इन सभी एक्टिविटीज में शंकर एरवाड़ा और कुड़ला का ही हाथ सबसे आगे होता है। कुड़ला किन्नर होने के बावजूद ये सब कर रहा है क्या? किन्नर होने के बाद तो वो ये सब ज्यादा करने लगा। वो जीन्स हार्मोन इफेक्ट से किन्नर नहीं बना, अंडरवर्ल्ड इफेक्ट से बना है। सुना है आजकल हफ्ता वसूल नहीं हो रहा है। जैसे ही मैंने पांडे को मारा, सबकी पावर खत्म हो गई क्या? पैसे को तलवार और बंदूक से वसूला जाता है, समझा? मेरा नाम सुनते ही जब टेबल के ऊपर नोट की गड्डी आकर गिरे, उसी को हफ्ता कहते हैं। और तेरे जैसे चिल्लर तो भीख मांगते हैं। जब तक दम है गुंडागर्दी में राज करेगा, दम खत्म होने के बाद क्या करते हैं? कचरे को कहाँ फेंकते हैं? डब्बे में। इसका मीटर ऑटो रिक्शा वाला है जो बंद हो गया। साइड हट रहे। अगर दम हो तो कुड़ला जैसा। औरत या मर्द से फर्क नहीं पड़ता, दम जिगर में होना चाहिए। जहां तेरा कंट्रोल हुआ करता था, अब वहां मेरा कंट्रोल है। तूने क्या सोचा था, तू मेरी दहशत को कम कर देगा? ए, नजर रखो इस पे। पांडे आईसीयू में भर्ती है। वो ऐसे नहीं मरना चाहिए, उसे तड़पा तड़पा के मारना है। भाई एमडी ऑफिस में है। देखो
कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, आपस में सब सेटल कर लेंगे, मैं खुद आके बात करता हूँ। ठीक है मैं फोन करता हूँ। ए क्या है बे, कौन है तू, अंदर कैसे आया? बॉस, मैं पहली बोनी आपसे करने आया हूँ। ओ ऐसा है, ये ले पकड़। ये क्या है बॉस, ये तो सिर्फ 100 रुपए हैं, बाकी 49,99,900 रुपए कहाँ हैं? तो जानता है किससे बात कर रहा है? मैं तेरे को पैसे का क्यों दूं? हाँ? हफ्ता हफ्ता चाहिए, समझा? गन देखने के बाद लगता है आप उनका इंट्रोडक्शन चाहिए। फोन करने की कोशिश मत कर, नेटवर्क नहीं मिलेगा, सिग्नल फुल काट दिया है। रुक अभी कमिश्नर को फोन करता हूँ। सही है, मतलब पुलिस को बुलाएगा, पर वो हमें कल मारेंगे, लेकिन मैं तुझे आज अभी टपका दूंगा। सोच ले दड़ियल, तू पैसा अपुन को देगा या फिर अपने क्रियाकर्म के लिए बचा के रखेगा? तुझे जो करना है कर, 50 लाख मुझे अभी चाहिए। दुबई से शेख भाई ने हफ्ता वसूली के लिए कहा है। ए, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। देख एमडी, तू कोई टॉयलेट नहीं बना रहा, तू 100 करोड़ का अपार्टमेंट बना रहा है। भगवान की दान पेटी में बढ़ चढ़ के पैसा डालते हो ताकि भगवान तुम्हारा भला करे, आप उनको भी दे दो, वहां सर झुकाकर दान देते हो दिल खोल के, और यहां अगर हफ्ता नहीं दिया तो जान से जाओगे। पुरानी कहावत है, एक मारने वाला और एक बचाने वाला होता है, लेकिन यहां दोनों मैं ही हूं। कुडला और शंकर का नाम जिसने भी सुन लिया तो तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। शंकर, लगता है ये पैसे नहीं देने वाला, उड़ा दे। कितनी गर्मी हो रही है। शेट्टी, एक काम कर, अटकारा सर्कल में जा, वहां एक आदमी आएगा, उससे अकाउंट डिटेल्स ले ले और उसी अकाउंट में सारे डिपॉजिट कर देना। मोबाइल दे। कम टू ओम बीच। ये ले शेट्टी, जल्दी जा। ठीक है शंकर। गुडला, मैं तुझे बाद में मिलता हूँ। Thank you.
हेलो। हाँ, अबे शंकर बच गया। आचारी, कुंडला कुमार ने भेजा था, उसका क्या हुआ? मामा, तुम्हारे लोग निकल लिए। वो बिहारी शार्प शूटर कांटेक्ट में है, तुम कहो तो बुला दूं उसे। पूना, मुंबई, बिहार, कहीं से भी बुलाओ, कुडला का नाम सुनते ही सब कांपने लग जाते हैं। सोचा था कुडला किन्नर बनने के बाद चुपचाप सड़कों पर और बस स्टैंड पर जिंदा लाश बनकर भीख मांगेगा, पर हमने जो प्लान किया था उसके हिसाब से अब तक कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि वो तो अंडरवर्ल्ड पे रूल करने लगा है। तो उन दोनों को मारना नामुमकिन है क्या? वो दोनों बहुत चालाक हैं, दिमाग से सब कुछ करना होगा। येरवाड़ा पुलिस स्टेशन का शूटआउट, डांस क्लास टीचर का मर्डर, इन दोनों कांड से वो अंडरवर्ल्ड पे छा गया है। वांटेड लिस्ट में होते हुए भी पुलिस ने उन दोनों का एनकाउंटर नहीं किया क्या? ये एक को मारते हैं, किसी और को अंदर डालते हैं और कोई और राज करता है। वो दोनों बचपन के दोस्त हैं क्या? हाँ, वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। दोस्त, वो कॉल गर्ल है, पटा ले मेरे भाई। एक्सक्यूज मी, कैन आई टेक योर ऑर्डर? एक मिनट, पेन ले सकता हूँ? श्योर सर। पेन 6458। मोबाइल दो।
एक सेकंड भी नहीं सोचा आपने, इतना पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, इतनी बेचैनी है क्या? अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं उसके बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचता, चाहे कुछ भी हो सीधा डिसीजन लेता हूँ। आपका कॉन्टेक्ट नंबर? मैं ही कॉल करती हूँ। यहाँ मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए पैसा दिया क्योंकि मैं तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। वैसे भी मैं मोबाइल यूज नहीं करता हूँ, सिर्फ लैपटॉप यूज करता हूँ। अगर मुझे कभी कोई इमरजेंसी कॉल करना होता है तो मेरे साथ जो भी रहता है उसके मोबाइल से बात करने के लिए लैपटॉप कनेक्ट कर लेता हूँ। और कुछ जानना है? बाय कनन, बाय। हे क्यों इतनी जल्दी जा रही हो? अभी प्रैक्टिस बाकी है, खत्म करके जाओ ना। बस इतना ही है ना, छोड़ो कल आके प्रैक्टिस करती हूँ। बाय। आज की ब्रेकिंग न्यूज, मशहूर बिजनेसमैन की हुई हत्या, व्यक्तिगत कारण की वजह से हत्या कर दी गई है। सुपारी किलर कुर्ला पर हत्या का है आरोप, जानने में आया है कि ये बहुत ही बड़ा सीरियल किलर है। देखो यही है उसका बॉयफ्रेंड। ये गुंडा बनने से पहले मिनरल वाटर सप्लाई करता था, हमारे क्लास को भी यही वाटर सप्लाई करता था। इन दोनों की बड़ी लव स्टोरी थी, ये गुंडा होने के बावजूद भी उसे बहुत प्यार किया करती थी। क्या बात कर रही हो? ऐसा ही है। रोटी और सब्जी का कॉम्बिनेशन सुपर है, ठीक उसी तरह अपुन लोग की दोस्ती भी सुपर है। अक्सर लोग गलत काम करके उसे दबाने के लिए कुछ अच्छा करते हैं और उनकी जिंदगी इसी तरह से चलती रहती है। लेकिन कुछ लोग जिंदगी भर गलत काम करते हैं, फिर यमराज सामने आते सुधर जाते हैं, है ना शेट्टी? दोस्त के पीठ में कभी छुरा नहीं घोपते। जाओ उसकी फैमिली के लिए सेटलमेंट करो। अनु, अंडरवर्ल्ड गुंडे के साथ प्यार करना और जिंदगी बिताना ये गलत बात है। देखो मेरी बात सुनो, एक तरफ पुलिस है तो दूसरी तरफ वो गुंडे हैं जो कभी भी उसको मार सकते हैं, इसलिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, छोड़ दो उसे। हम कितने दिन जिंदा रहते हैं ये मायने नहीं रखता, खुशी से जिंदा है या नहीं ये ज्यादा मायने रखता है। मैडम मैं उसके साथ खुश रहूंगी। बेटा वो एक गुंडा है, तुम उसके साथ कैसे रह सकती हो, इस बात को जरा सोचो। पापा आप जैसा सोचते हैं वो वैसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। उसका नाम कुंडला नहीं है, उसका असली नाम कृष्णा है। वो पहले से गुंडा नहीं था, जब मेरे डांस टीचर मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे तब उसने उन्हें मार दिया और केस में फंस गया। उस जगह अगर कोई भाई बेटा या आप भी होते तो ऐसा ही करते पापा। उस दिन उसने मुझे बचाने के लिए उन्हें मार दिया, लेकिन पापा अब जिंदगी जीने के लिए उसका गुंडा बनना जरूरी हो गया है। पापा वो मेरी खुशी है, पापा मैं उसे बहुत चाहती हूँ। एक बात बताओ बेटा, एक पिता होकर मैं उस गुंडे के पांव धोकर कन्यादान कैसे कर सकता हूँ? पापा वो बहुत अच्छा इंसान है, प्लीज आई वॉन्ट हिम पापा। अरे मैं इसका क्या करूँ, कैसे करूँ, ये किसी के सुनती नहीं है। छे हाय सर। मैं हूं डॉक्टर रंगनाथ, लक्ष्मी नर्सिंग होम मेडिकल डायरेक्टर। जी कहिए। सर हमारे हॉस्पिटल में एक केस आया था। उसका नाम शिवा है। सुसाइड अटेम्प्ट किया था।
मैंने पूछा तुमने सुसाइड की कोशिश क्यों की, मुझे पता चला तो मैं हैरान हो गया। उसे किडनैप करके उसे बिना बताए किन्नर बना दिया गया सर। ही वॉज अंडर गाम सेक्स फ्री असाइनमेंट सर्जरी, जोर जबरदस्ती से उसे नामर्द बना दिया सर। अब वो एक किन्नर है सर, हार्मोन इंजेक्शन उसे लगाया गया है, अब उसके शरीर के अंदर बिल्कुल बदलाव हो जाएगा। उसके बाद उसको वैश्यावृत्ति और भीख मांगने के लिए, पब में डांस करने के लिए, बीच में सर्विस जैसा इलीगल एक्टिविटीज के लिए उसे दुबई, मुंबई, गोवा ऐसे कई शहरों में उसे सप्लाई करते हैं। इस सब के पीछे समाज में बहुत ही चर्चित शख्स है, पांडे कुलाल। सर अभी तक वो ऐसे 7 सर्जरी करवा चुका है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल उसके लिंक में है, वो यही काम कर रहा है। जब मैं इस केस को अपनी फाइल में रजिस्टर कर रहा था, उसी समय पांडे ने आके मुझे धमकाया। इस बड़े समंदर में मैं एक शार्क मछली जैसा हूं, तुझे सिर्फ किनारे से देखना चाहिए, पानी में जाकर तैरना नहीं, नहीं तो यहां बहुत खून बहेगा डॉक्टर। समझ रहा है ना क्या कह रहा हूं? शिवा को दुबई भेजने का वो लोग प्लान बना रहे हैं। वो वहां से भागकर बहुत दुखी होकर सुसाइड अटेम्प्ट करने लग गया, लेकिन हमने उसे बचा लिया। वो कहां है अब? ऐसे नहीं, ऐसे मारो, सही से मार, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। सही से मार, सही से मार, अरे लोफर बजा ताली, सही से बजा, अरे ऐसे ऐसे मार ना। Hey. चाय पियोगे? कॉफी और चाय हमारे खून के लिए ठीक नहीं। विस्की मंगाओ क्या? क्यों रे? डील के टाइम पर हम कभी दारू नहीं पीते। पर ऐसा क्यों? लास्ट टाइम जब हम डील करने गए थे, तब नशे की हालत में कुटला ने कंफ्यूज होकर सुपारी देने वाले को ही जान से मार दिया। सीधे बोलो, मैटर क्या है? एक को टपकाना है, डॉक्टर रंगनाथ, मेडिकल ऑफिसर, वो मेरे काम में टांग अड़ा रहा है। सर किसी का भी हो, बिना सोचे काट डालते हैं, हमें सिर्फ हिसाब चाहिए। रीजन पूछकर मारने वाले टीचर नहीं है, ऑर्डर लेकर मारने वाले पुलिस नहीं है, या शूटर्स? शार्प शूटर्स किसी के भी शरीर में गोली उतार देंगे। सब जीने के लिए दिमाग लगा के साइड बिजनेस करते हैं, लेकिन तुम सिर काटने को ही अपना बिजनेस मानते हो। शाबाश। जिंदगी में अगर पैसा नहीं तो जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं, मौत के वक्त अगर पैसा नहीं तो लाश की भी कोई वैल्यू नहीं। एक्सीलेंट। अगर सुपारी दे दी तो काम पक्का होगा ना? अगर इसने तेरी सुपारी दी
तो तुझे भी मार देंगे। आचार्य। हट पीछे। मुझे मारने से पहले 100 बार सोच लेना। एक बार मेरी सटक गई तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। ध्यान रखना। ए, ए, बैठ जा सब। कुडला, दिमाग ठंडा रख। अगर पैसा दे दिया तो किसी को भी टपका देंगे। सेंटीमेंट नॉट अलाउड। इस डील के लिए 5 लाख दूंगा। 5 लाख एडवांस लेंगे और काम खत्म होने के बाद बाकी पैसे कहां भेजने हैं ये तुम्हें फोन करके बताएंगे। ये डील नहीं होगी। हाँ? गुडला, चल। ब्रदर, सोच लो, भाई को ना बोल रहे हो, इसका अंजाम बुरा हो सकता है। गुडला। यार शंकर, डील अच्छी थी, मना क्यों कर दिया? हाँ, डील थोड़ी देर अगर और रुकते ना तो डील करने लायक ही नहीं रहते। हाँ? वहां कोई हिडन सेंसर था, सिग्नल डिस्टॉर्ट हो रहा था, इसीलिए मैं तुझे वहां से ले आया। क्या हुआ शेट्टी? पांडे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पांडे छूट गया, ये डील खत्म करेंगे। डॉक्टर, 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 डॉक्टर। शिवा, क्या हुआ शिवा? क्या हुआ? क्या हुआ? बोलना, क्या हुआ शिवा? हे शिवा, एप्पल। लोग एप्पल खाते हैं ताकि उनको डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, लेकिन यहां तो डॉक्टर ही एप्पल खा रहा है। क्या तुम अमर बनना चाहते हो? हमारे रहते होने नहीं वाला। अजी, ये कौन है और इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? भाभी जी, मेरा नाम पांडे है, आपके पति के साथ कुछ पर्सनल बात करनी है। आप परेशान मत होइए, हम सब लोग खाना खाकर आए हैं, आप बस एक कप कॉफी लेकर आइए। कॉफी लाऊं? भाई ने खाली कॉफी मांगी है, विस्की ब्रांडी नहीं, जाओ जाकर लेकर आओ। पांडे जी, ये मेरा घर है। डॉक्टर, तुझे अपने हॉस्पिटल के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देकर चुप बैठना चाहिए था ना, लेकिन तूने तो सुसाइड करके मरने वाले को ही बचा लिया। ये सोशल सर्विस है, समाज में अगर कुछ गलत होता है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करता हूँ, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। तू फोन करेगा, फिर पुलिस यहाँ आएगी, फिर मुझे अरेस्ट करेगी, एफआईआर बनाएगी और 15-20 साल के लिए जेल में रखेगी, और तू यहाँ खुशी से जिएगा। मुझे रस्ते का कोई टपोरी समझाए क्या? पुलिस डिपार्टमेंट में एक पीसी से कमिश्नर तक, विधानसभा में बैठा हुआ मंत्री का भी एक रेट फिक्स हुआ है। इस देश के कानून को हम जैसे लोग जैसे चाहे बदल कर चला रहे हैं, लेकिन तूने तो ऐसा सब करने से पहले मेरे बारे में सोचा नहीं। बहुत बड़ी गलती की। कॉफी। कॉफी अच्छी है भाभी, लेकिन इसमें थोड़ी चीनी कम है।
थोड़ी और चीनी मिलेगी। श्रुति क्या हुआ? श्रुति क्या हुआ? श्रुति शक्कर का डब्बा ब्लास्ट। काम खत्म करो, सेंटिमेंट नहीं चाहिए। सेंटिमेंट नॉट अलाउड। ये तो तुम्हारी फैमिली में क्या मम्मी पापा कोई नहीं है क्या? तुम ये सब गुंडागर्दी क्यों करते फिरते हो? तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है क्या? माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची? अच्छा बताओ तुम क्यों हो इस प्रोफेशन में? ऐसे सवाल हम दोनों को सूट नहीं करते। फ्लैशबैक को कभी ओपन मत करना, फ्यूचर के बारे में सोचना भी मत। हमारी जिंदगी और हमारे सिद्धांत बिल्कुल अलग हैं। कोर्ट में छूकर हर आदमी कसम खाता है लेकिन सच कोई नहीं बोलता, वो सिर्फ एक विश्वास है। तुम्हें पता है इस देश में प्रैक्टिकल से फॉर्मेलिटी की वैल्यू कहीं ज्यादा है। ऐसा नहीं, तुम जब लैपटॉप यूज कर रहे थे तब मैंने तुम्हारा यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट देख लिया था, इसीलिए पूछने का मन किया। हाँ, एमटेक मास्टर्स ग्रेजुएशन किया है टॉप यूनिवर्सिटी से, लाखों रुपए की फीस भी भरी है साथ में, लेकिन ये सब मैंने कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने के लिए नहीं किया है, अंडरवर्ल्ड में कॉर्पोरेट लेवल पर राज करने के लिए किया है। जब पहली क्लास में पढ़ता था स्लेट लेने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, उसी स्लेट के लिए स्लम एरिया में मारपीट की मैंने, हफ्ता वसूली करके मैंने मास्टर डिग्री खत्म की थी। जरा अपना मोबाइल दो। यहां दो लोगों को तैयार किया हूं, पुलिस को मैं देख लूंगा। इस केस को जल्दी ही क्लोज कर देना। केस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, पुलिस हर तरफ से कार्रवाई कर रही है, प्रेस और मीडिया ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। पांडे को किसी भी हालत में फिट करना ही होगा भाई, हमें थोड़ा बचकर रहना होगा। जाएंगे कहाँ? शेट्टी के होटल पे। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रंगनाथ और उनकी पत्नी की हत्या से पूरा मैंगलोर दहशत में है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस केस से सारे ऑफिसर्स, बड़े डॉक्टर्स शॉक्ड हो चुके हैं। इस हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार द शॉकिंग मर्डर केस ऑफ डॉक्टर रंगनाथ एंड हिज वाइफ विटनेस अ न्यू डेवलपमेंट टुडे। पुलिस आर इन सर्च ऑफ द कल्प्रिट्स। मैंगलोर के सीनियर डॉक्टर रंगनाथ और उनकी पत्नी की हत्या से पूरा शहर कांप रहा है। देश की जनता जानना चाहती है कि ये डॉक्टर के मर्डर का मैटर, स्टेट के सारे न्यूज चैनल्स ने इसे ब्रेकिंग न्यूज बना दिया है, इससे जल्द से जल्द असली कातिल का पता चल सके। ये पांडे भी फोन नहीं उठा रहा है, बने रहिए हमारे न्यूज चैनल। इस केस में किसी को भी अंदर नहीं करवाया अभी तक, कुछ समझ नहीं आ रहा आप करें क्या। ये देखो साहब छुट्टी पर आए हैं। जब एक बार पंगा ले लिया तो सोचने की क्या जरूरत है ना शेट्टे। शेट्टे, शेट्टे। अभी अभी हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि जिसने सीनियर डॉक्टर रंगनाथ और उसकी पत्नी की हत्या की है, पुलिस ने उन शार्प शूटर्स का नाम पता कर लिया है। पुलिस ने ये साबित कर दिया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन कुडला और शंकर हरवाड़ा, ये दोनों ही इस हत्या के मुख्य आरोपी हैं।
बोल क्या हुआ? पांडे ने पुलिस को बताया है कि तुमने ही डॉक्टर को मारा है। शंकर एयरवाड़ा असली आरोपी है। क्या हुआ उसकी? तो पांडे हमारे साथ गेम खेल गया। गुडला। हाँ पुलिस। क्या क्या शेट्टी, क्या चल रहा है? सर सुना है तुम्हारा होटल क्रिमिनल्स के लिए बड़ा सेफ है। ये क्या कह रहे हो सर? ए नाटक बंद कर, कहाँ है वो दोनों? कौन दोनों सर? ए मुझे नाटक करके दिखा रहा है। जाओ सर्च करो रे। सर यहाँ कोई नहीं सर। अरे तो डर क्यों रहा है? सुनिए सर। ये ऑनलाइन एसएमएस किसका है? हाँ, कॉल शेट्टी अर्जेंटली एंड से पुलिस इंफॉर्मेशन वाज फेक। सर रजिस्टर में रूम नंबर 407 के रिकॉर्ड नहीं है। चलकर देख ही लेते हैं। फोन किसका है? उठाओ उठाओ, लाउड स्पीकर पे डालो। बोलो ना, लाउड स्पीकर पे डालो। ओके सर। हाँ शेट्टी, मैं रम्या बात कर रही हूँ। रम्या? अबे रम्या कौन कौन है ये रम्या? सर चल बात कर इससे। शंकर की गर्लफ्रेंड है सर। शंकर की गर्लफ्रेंड? शंकर की गर्लफ्रेंड? इससे पूछो पूछो क्या मैटर है, पूछो। रम्या एक्चुअली वो दोनों तुम्हारे होटल में, हमने फेक न्यूज क्रिएट की थी, अगर पुलिस आए तो उन्हें हैंडल कर लेना। फेक न्यूज है? क्या खेल चल रहा है ये? उससे पूछो कहाँ है दोनों, पूछो। रम्या कहाँ है वो दोनों? शेट्टी वो दोनों अभी पेरम्बूर बीच पर हैं। पेरम्बूर बीच? पेरम्बूर बीच? टेक हिम टू कस्टडी। पैरंबर पुलिस स्टेशन को जल्दी इन्फॉर्म करो। ए, पुलिस है या गई? इस बार तो बच गए। भाई वो दोनों अभी तक पुलिस को नहीं मिले। एसीपी को फोन किया था, वो लोग उन्हें ढूंढने पेरम्बूर बीच गए हैं। वो दोनों वहां पे नहीं है, पुलिस को उल्लू बना रहे हैं। वो दोनों बहुत शातिर हैं। पुलिस एनकाउंटर में अगर नहीं मरे तो मुझे पक्का मार डालेंगे। वो दोनों चाहे कहीं पर भी हो, ढूंढ कर टपका डालो। भाई सुनो जी, घर के चारों तरफ नजर रखो। हाँ, होशियार रहो। ठीक है भाई। कॉफी? हाँ। चीनी कम है और डालकर लेकर आओ। ठीक है, अभी लेकर आई।
भाई 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 दरवाजा खुलिए भाई। क्या हुआ भाई? तब से कोई ना कोई बुलेट ही चला। प्रेमा प्रेमा ए, क्या हुआ? अचानक से किसी ने गोली चलाई। संभालो अपने आप को। ए पांडे, इधर उधर नहीं, टीवी टीवी देख। पांडे जस्ट मिस, जरा संभल जा। डॉक्टर की सुपारी तूने दी थी ना, लेकिन फंसा दिया हमें। सुनो अपनी गन मुझे दो। गैर वाला जेल का मर्डर नहीं है, डांस क्लास का मर्डर नहीं है, नौ शूट आउट किए वो भी मर्डर नहीं है। तू बचेगा नहीं पांडे, तुझे मारेंगे वो मर्डर होगा। फिर से छा जाएंगे अंडरवर्ल्ड में, पुलिस के रिकॉर्ड में एक इतिहास बनेगा। हमारी गोली से तू नहीं बचेगा। किसी का सीना ना चीरे ऐसा आज तक नहीं हुआ। पांडे दिन गिनने शुरू कर। वो दोनों मिले क्या? भाई आप आराम करो, वो मिल जाएंगे। आचारी कहाँ है? उसका पैर टूटने के बाद मछली मार्केट के पेट्रोल पंप पे कुडला के लिए काम करता है। आचारी हफ्ता वसूल करके उन दोनों को पहुंचाता है। उन्हें छोड़ना नहीं है, छोड़ दिया तो हम ही फंसेंगे। उन दोनों पर हमला करवाया था लेकिन वो दोनों ही बच गए। एसीपी, एसीपी को फोन लगाओ। हाँ भाई। नमस्ते पांडे कुलाल, क्यों फोन किया? उनको मैंने एनकाउंटर में मारने के लिए बोला था लेकिन तुमने उन्हें छोड़ दिया। मैं भी उन दोनों को ही ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो कहीं भी मिल ही नहीं रहे। कुड़ला जिस गाड़ी से मिनरल वाटर की सप्लाई करता था उसी गाड़ी से पूरा शहर घूम रहा है। मुझे फालतू की कहानी मत सुनाओ, जो बोला है करने के लिए वो करो। उन दोनों की लाश चाहिए मुझे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं उन दोनों को टपका दूंगा। शंकर को तुम टपका दो, कुड़ला शंकर यरवड़ा के दम पर ही बचा हुआ है। अगर वो गया ना तो कुडला को मैं देख लूंगा, उसको मार डालो। पांडे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। पिछली बार हमारा अटैक मिस हो गया था लेकिन इस बार पांडे नहीं बचेगा, उसे नर्क पहुंचना ही होगा। तैयारी कैसी है? फिर से तुम्हें उन लोगों ने डॉक्टर के केस में फिट किया है, साथ में पांडे का केस भी है। पक्का तुम्हें अंदर डालेंगे भाई। शंकर उनका असली टारगेट तू है। मुझे टारगेट करके उन्हें फायदा क्या है? और मुझे ढूंढेंगे कहाँ? ना मेरा कोई एड्रेस है, ना फोन नंबर, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, और ना ही मेरे खिलाफ उनके पास कोई ठोस एविडेंस है। और अगर किसी तरह मैं उनके जाल में फंस भी गया
तो ये सिर्फ तेरी वजह से होगा। और अगर ऐसा हुआ तो उस दिन मेरा आखिरी दिन होगा। शंकर, ये क्या बोल रहा है तू? ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा भाई। मेरा कॉल है, फोन दे इधर। हाय रम्या। हाय शंकर, सॉरी मैं आज नहीं आ सकती। क्या हुआ? मैं एक प्रॉब्लम में फंसी हूँ। कैसी प्रॉब्लम? आज माँ की सर्जरी होनी है, हॉस्पिटल जाना है। कौन सा हॉस्पिटल? मणिपाल हॉस्पिटल। तो एडमिट करो ना उन्हें। एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ गई है। सर्जरी के लिए 5 लाख जमा किए थे, जिसके पास जमा किए वो भाग गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बहुत इमरजेंसी है, सर्जरी करनी होगी। सब अरेंज करो, मैं हूँ। तुम कहाँ से करोगे? मैं हूँ ना। 5 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? मस्ट डू समथिंग। बेबी चलो सेल्फी लेते हैं। ओके। हाँ यहाँ देखो, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। देखो ये वाला, देखो। क्या बात है, अच्छी आई ना? डार्लिंग हो, डार्लिंग। अच्छा एक और। बढ़िया। एक बकरा मिल गया है, वो बंदूक से ही डर जाएगा। ध्यान रहे, इस वक्त पुलिस हर जगह एक्टिव है, कुछ भी करना खतरनाक हो सकता है। बस वेट करो, मैं कुछ करता हूँ। वेट, आई विल डू समथिंग। Yes, I got it. कार में लिक्विड कैश है, कंफर्म। बेबी जानू, फोटो। कुडला, ये कार अभी गरुड़ेश्वर मंदिर की तरफ जा रही है। गूगल लोकेशन ऑन करके आगे बढ़ रही है। इसको एडिट करके अब खेलता हूँ मैं। Oh, come on. भाई उस नंबर पर फोन कर। भाई रिंग जा रही है, ये लो। रम्या इस समय तुम जहां भी हो अपनी लाइव लोकेशन सेंड करो मुझे इमीडिएटली, अभी क्या भी। क्विक 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 फास्ट। बेबी तुम्हें कुछ पता है? मुझे क्या पता? गूगल, गूगल, ओए गूगल, ये कौन सी जगह है यार? कहाँ आ गए यार? डेस्टिनेशन रीच। शे, मंदिर डाला था, कब्रिस्तान लेकर आया। ये क्या जगह है? इतना छोटा दरवाजा मंदिर का। बेबी चलो देखते हैं। स्वीटी मंदिर आ गया। शिव की जगह पार्वती, शिव जी कहाँ गए? हे भोलेनाथ। मैडम बुलदेश्वर मंदिर कहाँ गया? यहाँ तो कोई मंदिर नहीं, वो रास्ता तो दूसरी तरफ है। गूगल नेविगेशन ने रास्ता तो यहीं का दिखाया है। नहीं नहीं ये गलत है। ऐसे कैसे होता है मैडम? एम्बुलेंस कहां से आ गया? बेबी ये क्या चल रहा है इधर?
हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके ही छोड़ते हैं। कौन हो आप? क्या चल रहा है यहाँ? गूगल को पूछो। क्या गूगल को पूछना? कौन हो आप? ये कौन है? बुल्देश्वरा, ये आपकी कैसी महिमा है? हम आपका दर्शन लेने आए थे, गूगल मैप से ढूंढ रहे थे और ये कौन सा मैप मिल गया? हफ्ता, हम तेरे से हफ्ता वसूल करने आए हैं। हफ्ता? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना। ए, तेरी बॉडी छोड़ के पूरी गाड़ी स्कैन कर चुका हूँ मैं। बाय। बेबी, मेरी गाड़ी। अरे बेबी, बेबी हमारे पैसे ले जा रहे। बेबी तुम बात करो ना इनसे। बेबी मेरे पैसे लौटा दो। ये गलत है, मैं पुलिस को बुलाता हूँ अभी। पुलिस के आने से पहले तेरी लाश यहाँ पड़ी होगी, समझा? बेबी तुम जाकर माँ को लेकर आओ। बेबी संभालो। बेबी भगवान मरुडेश्वर के दर्शन यहीं कर लो। सारे के सारे देवता माँ के चरणों में होते हैं। हमारा तरीका गलत हो सकता है लेकिन काम एकदम राइट हम कर ही कह सकते हैं। हमारा बायोडाटा ही ऐसा है। क्या मेरे पैसे ले लिए? ड्राइवर, सर मीडिया वाले आपका बाहर वेट कर रहे हैं, उन्हें बुलाओ सर। मीडिया? वो क्यों आए हैं? ठीक है, बुलाओ। जी सर। नमस्ते सर, मैं मैत्री चैनल से हूँ। डॉक्टर रंगनाथ मर्डर केस में एक प्रोग्राम बना रहा हूँ सर, उस केस को आप ही हैंडल कर रहे हैं ना, आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी, तो क्या आप इंटरव्यू दे सकते हैं सर? मुझे भी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं आपको क्या बताऊँ सर। इस मर्डर केस में शंकर यरवाड़ा और कुडला का नाम आ रहा है। कुडला अभी भी किन्नर है, इसीलिए आप उसे गिरफ्तार करने की सोच रहे हैं क्या? बताइए। अरे टाइम वेस्ट मत करो, जाओ यहाँ से। सर वैसा नहीं है, वो होटल में थे, ऐसी जानकारी के साथ आप गिरफ्तार करने गए थे ना, तो वहाँ क्या हुआ था सर? गए थे गिरफ्तार करने गए थे। मेरे बुलाने पर आगे इसके लिए थैंक्स। इट्स ओके। आओ। ब्रदर अभी आया। मेरी बात सुनो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक क्रिमिनल है, एनकाउंटर लिस्ट में उसका नाम है, पक्का उसको मार डालेंगे। अगर अपने बॉयफ्रेंड को बचाना चाहती हो तो शंकर को मारने में मेरी मदद करनी पड़ेगी तुम्हें। कुडला को सभी केसेस से निकालना मेरी जिम्मेदारी, उसके बाद तुम खुशहाल जिंदगी जी सकोगी। पुलिस पर इतना यकीन और हम पर जरा भी नहीं। हमारा प्लान सक्सेस हो गया। शंकर एरवाड़ा और कुडला दोनों होटल में हैं। तुम जाकर अभी दोनों को मार डालो, बाकी मैं संभाल लूंगा। यहां आने से पहले कुडला ने मुझसे पूछा था। तूने बिना सोचे मेरी गर्लफ्रेंड को बुला लिया, तुझे इतना विश्वास है उस पर? अगर इसकी जगह मेरी बहन होती तो मैं सोचता।
जब हाथ में गन हो तो चुपचाप खड़े रहकर गोली का इंतजार नहीं, सिर्फ शूट करते हैं। गुडला कृष्णा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अपना नाटक बंद कर। मैंने सोचा भी नहीं था कि तू ऐसा कर सकती है। मैं जितना तुझे चाहता हूं उससे ज्यादा इसे चाहता हूं। हम एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन अपने अपने फायदे के लिए हम दूसरे की जान नहीं लेते हैं। तेरा चेहरा देख के शर्म आ रही मुझे। गुडला, इसकी जगह कोई और होती ना, वो भी यही करती। हर लड़की चाहती है कि उसका साथी हमेशा सही रास्ते पर चले। स्वार्थ सबका होता है, इसमें क्या गलत है? भाई, तो भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं, अगर बहन गलती करती है तो भाई का फर्ज है उसे माफ करना। गुडला, तू अनु को लेकर दुबई चला जा, मैं यहां सब संभाल लूंगा। इस केस को किसी तरह निपटा कर उस पांडे को खत्म करके मैं भी दुबई आ जाऊंगा। भूल जा, मैं दुबई नहीं जाऊंगा। पांडे को खत्म करके हम दोनों चलेंगे। क्या बात कर रहा है, तेरी भी एक जिंदगी है, तेरे भरोसे अनु बैठी हुई है यहां। इसे खोना मत, अपना लो इसे। प्यार के लिए भी किस्मत वाला होना चाहिए। ये जो हम छुप छुप कर भाग रहे हैं, ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी नहीं है। समझने की कोशिश कर, निकल जा यहां से। भाई, आपको छोड़ के? टेंशन मत लो, मैं भी काम निपटा कर वहां आ जाऊंगा। भाई, आप हम दोनों की शादी करा दो। हाँ, करा दूंगा, सच में करा दूंगा। भाई। हाँ। भाई, आप हाँ करिए, मैं अपने लड़कों के साथ जाकर। हाँ।
उस दिन बड़े ही साइलेंट तरीके से मैं उनका एनकाउंटर कर डालता। तुम्हारे लड़के उन्हें मारेंगे इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन सब पिटके आ गए। अब वो दोनों तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और कुड़ला, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर रहा है और शंकर एरवाड़ा उन दोनों की शादी करा रहा है। अगर तू बचना चाहता है तो उन दोनों को मरना ही होगा। अब ये सोचो कि पहले क्या करना है, उन्हें शादी से पहले टपकाओगे या शादी के बाद, ये तुम डिसाइड करो। मुझे नहीं पता। थोड़ा संभल कर रहना। चलता हूं। हमारे पास काम के लिए आए थे ये दोनों, और आज हमें ही उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ये। ये मैटर बाहर पता चला तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। उन सालों को उड़ा देना चाहिए। पूरा शहर तुम्हारे अंडर है, पुलिस से लेके गुंडे तक सब तुमसे डरते हैं, और तुम उन दो बच्चों से डरते हो। अगर ये बात बाहर वालों को पता चली तो तुम लोग समझ गए ना, वो लोग क्या समझेंगे तुम्हें। उन्हें शादी से पहले टपकाओगे या शादी के बाद, ये तुम डिसाइड करो। मुझे नहीं पता। आचार्य जी। भाई कुडला। तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूं, अब तुम इसे जल्दी से पहन लो। ओके। हे, कहाँ जा रही हो? साड़ी पहनने के लिए। अरे यहीं पहनो ना। ठीक, जाओ। जब ड्रेस चेंज करके आई तब वो वहां नहीं था। क्या देख रही हो? वो बच्चे कितने क्यूट है ना। वैसे आगे चलकर हमारा भी ऐसा ही बच्चा होगा। लेकिन मुझे जुड़वा बच्चे चाहिए। हाँ, जुड़वा बच्चे। हाँ बिल्कुल। Oh,
सोचा था कि शायद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीसीवी, अंडरकवर स्क्वाड, स्पेशल फोर्स, सब जगह पता किया, लेकिन इनमें से किसी ने अरेस्ट नहीं किया है। जेब कतरों तक से पता किया है, गांजा, अफीम, चरस बेचने वालों से, इंटरनेशनल माफिया, सब जगह पता किया, लेकिन कहीं से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। मुझे कोई डर नहीं है भैया, मुझे विश्वास है आप मेरी कृष्णा को जरूर ढूंढ लाओगे, लेकिन मुझे डर है उसे कहीं कुछ हो ना जाए। तूने ये ठीक नहीं किया, हमारे खिलाफ हो गया ना कुटला, तूने क्या सोचा था पांडे भाई छोड़ देंगे? तेरा काम तो हो गया, तेरा काम तो हो गया, तेरा काम तो हो गया कुटला, तेरा काम तो हो गया, तेरा काम तो हो गया। शंकर यरवाड़ा लोडेड गन के साथ यहीं आ रहा है, चलो भागो, निकलो यहाँ से, चलो निकल निकल, चल, नहीं नहीं देख कुडला, हम गुंडागर्दी की लाइन में हैं, हमेशा मौत को साथ लेकर चलते हैं, न जाने कितने लोग बिना दुश्मनी के ही मर जाते हैं, लेकिन तू अभी जिंदा है, यकीन कर हम कुछ भी कर सकते हैं। हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो होता ही है, लेकिन उसे नेगेटिवली कभी नहीं लेना चाहिए, ऐसा करना मतलब जीवन का अंत। उसी नेगेटिव को पॉजिटिवली ले, वहीं से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई तो क्या भगवान भी खुद नहीं बदल सकते हैं, जो कुछ ऊपर वाले ने लिखा है उसे हम कैसे बदल सकते हैं। अपनी तरफ आने वाली हर गोली को टक्कर दी है हमने, तो इस हालात में हम कैसे डर सकते हैं? ज्यादा सोचा तो जिंदा लाश बनकर रह जाएंगे। अगर ऐसा हो भी गया तो जिंदा लाश बनकर भी राज करूंगा मैं, ऐसा सोचो। Yeah.
अंडरवर्ल्ड में सबको पिटते हुए देखा होगा आपने, पुलिस की गोली से एनकाउंटर से मरने वाले गुंडों को देखा होगा आपने, लेकिन इस सबसे अलग कहानी है हमारे कृष्णा यानी कुर्ला की कहानी, जो अपने प्यार की खातिर गुंडागर्दी में आकर, कुर्ला आज वही गुंडागर्दी से प्रभावित होकर उसने अपने प्यार को खोकर वो बिल्कुल किन्नर में बदल चुका है। कुर्ला की जिंदगी में गुंडागर्दी प्यार के लिए शुरू हुई थी और उसी गुंडागर्दी की वजह से उसके प्यार का अंत हो गया और वो किन्नर बन के पूरे समाज पर राज करने लगा। जिस एक लड़की के साथ उसका प्यार परवान चढ़ा था, अब वही लड़की उसकी गुंडागर्दी को देखकर अपने प्यार का खात्मा कर देती है। कुर्ला की इसी एक विशेष कहानी के साथ आज हम यहीं पर अंत करेंगे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी उसकी गुंडागर्दी की एक नई कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल। तुम हमेशा कहती थी रोना नहीं चाहिए, वैसे ही इसके बाद तुम भी नहीं रोगी, खुश रहो। आज के बाद तुम इस जगह कभी मत आना, अर्धनारीश्वर तुम्हारा भला करें। मां कैसी है अब? ऑपरेशन हो गया है, अब वो ठीक है। एक्चुअली वो मेरी मां नहीं है। मैं उन्हें वृद्धाश्रम से लाई थी। हर बार मैं किसी न किसी को अपने घर बुलाकर बिना स्वार्थ के मैं उनकी सेवा करती हूँ। मेरे पापा बचपन में ही मुझे छोड़ गए। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किलों से मेरी शादी करवाई। मैंने बेटी को जन्म दिया तो मेरे पति ने उसे मेरे सामने ही डस्टबिन में डाल दिया। दोबारा भी ऐसा ही हुआ तो उन्होंने मुझे अपने घर से ही निकाल दिया। मैं दोबारा लौटकर अपने गांव भी नहीं जा सकती थी। उसके बाद माँ भी मुझे छोड़ के गई, इसीलिए यहीं रह गई। घर में भी अकेली और जिंदगी में भी। तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मेरी भी फैमिली है। तो फिर वो सब कहाँ हैं? तुम ही मेरी फैमिली हो। सच में? हाँ, तुम ही मेरी।
शंकर, डॉक्टर के केस के लिए मैंने दो लोगों को तैयार कर लिया है। अब तू रम्या को लेकर दुबई चले जा। उस पांडे को मैं देख लूंगा। नहीं गुडला, मैं अकेला कहीं नहीं जाऊंगा। अब बस उस पांडे को खत्म करने के बाद ही हम दोनों साथ मिलकर दुबई जाकर सेटल होंगे। नहीं शंकर, तेरी भी एक जिंदगी है, तेरे भरोसे रम्या बैठी है। तेरी भी एक जिंदगी है, तेरे भरोसे अन्नू बैठी हुई है यहां। खोलो, मुझे खोलो। कौन है? खोल। कुडला, तुझे मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैं तुझे मारने नहीं वाला। अभी तक मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे लड़कों को किन्नर बनाकर उन सबकी जिंदगी खराब कर दी है। अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, इसीलिए तुम्हारे जैसे किन्नर के लिए कुछ अच्छा सोचा है। कब तक तुम रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पर या हर एक सिग्नल पर ताली बजा के भीख मांगोगे? इसीलिए अब तुम्हें एक पहचान चाहिए। सुनो, तुम सबको इस समाज में सर उठाकर गर्व से जीने का एक हक है, इसीलिए तुम सबको आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब बना कर दूंगा। यह सब बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास पावर है, पैसा है, हाई लिंक्स है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। यह सब करके मैं प्रायश्चित कर लूंगा। लेकिन मुझे अब एक ही डर है कि ये सब काम खत्म करने से पहले वो शंकर कहीं मुझे मार ना डाले। शंकर को खत्म कर दो। कुडला, तुम अपने दोस्त के लिए अपने लोगों को और अपने समुदाय को मत छोड़ना। उड़ा दे उसे। शंकर को मार दे कुडला, मार दे। शंकर बचना नहीं चाहिए। क्या हुआ सुकन्या? देवी, माला, बोलो क्या हुआ? कलेक्शन करने के वक्त हाथ कार के ग्लास में अटक गया। बहुत दर्द हो रहा है, मैं सह नहीं पा रही हूँ। पुलिस ने मुझे रात भर बहुत मारा, हाथ भी खाने के लिए उठ नहीं रहा। हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? हमारी परेशानी कोई नहीं सुनता ना। इसीलिए अब तुम्हें एक पहचान चाहिए। तुम सबको इस समाज में सर उठाकर गर्व से जीने का एक हक है, इसीलिए तुम सबको आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब बना कर दूंगा। तुम अपने दोस्त के लिए अपने लोगों को और अपने समुदाय को मत छोड़ना। शंकर को खत्म कर दो। शंकर बचना नहीं चाहिए। शंकर बचना नहीं चाहिए। Mm-hmm.
शंकर अपनी गंदे एक दो दिन तू इसके बिना रह। कल का दिन अच्छा है, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। शटे तैयारी शुरू कर चल। पर गुडला कुछ मत बोल, तेरी शादी कल ही होगी, बस खुश रह। तुम गन ढूंढ रहे हो? हैं? वो तो कुडला के पास है। शंकर अपनी गन दे। तुझे यहां आने के लिए कुडला ने बोला है, ऐसा करने के लिए उसे मैंने बोला था। ए, हम के यहां पे तेरी शादी के लिए आए हैं क्या? तुझे ऊपर भेजने के लिए आए हैं। मार डालो इसे। Hey, भाई क्या हुआ? भाई कुड़ला ने रम्या का किडनैप कर दिया। उसको तो सिर्फ एक बिस्किट दिया था, लेकिन वो तो पूरा कवर के साथ खा गया। ए शंकर यारवाड़ा, इस गुंडागर्दी के फील्ड में तेरे जैसे पढ़े लिखों की जगह नहीं है। और मुझे देख, अनपढ़ होके यहां पर राज कर रहा हूं। राज करता था और करता रहूंगा। ए आवाज नीचे। और अगर किसी तरह मैं उनके जाल में फंस गया तो ये सिर्फ तेरी वजह से होगा, और अगर ऐसा हुआ तो उस दिन मेरा आखिरी दिन होगा। Sentiments not allowed.
मेरे दोस्त की सुपारी तूने मुझे ही दे दी, लेकिन मैंने उसकी शादी कराने का वादा किया है। वो दोस्त है मेरा, वो बहन है मेरी, मैं दोनों को कैसे मारूं? तुझे यहां उसे मारने के लिए नहीं, मैंने तुझे मारने के लिए बुलाया है। मैं मारूंगा और तू देखेगा, तू यहीं मरेगा पांडे। ए कुटला, ए कुटला, ए ए ए छोड़ मुझे, ए ए पांडे, जिस दिन मैंने अपनी मर्दानगी खोई, मैं अपने इस समाज से दूर हो गया और मैंने अपना प्यार भी खो दिया। तब से ये दोस्त मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन मेरा सब वही है। वो मेरा दोस्त है, किसी ने मेरा ख्याल रखा है तो उसने। ए कुटला। पांडे, तू कितने पानी में है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वहां मेरी बहन को, यहां मेरे दोस्त को, और उसके बाद मुझे मारने का प्लान बनाया, वो भी होलसेल में। लेकिन मैं तुम सबको होलसेल में दफन कर दूंगा। ए कुटला, ए ए ए शंकर, चला जा। पांडे, हम जीते हैं तो हफ्ता वसूल करके, लेकिन हम अपने दिल का भी इस्तेमाल करते हैं। और धोखा देना हमारे खून में नहीं है, हम जानते हैं कि दोस्ती का मतलब क्या होता है। ए, तूने कहा कि तू हमें सुविधाएं देगा, ये देख इनका आशीर्वाद हमारे सर पर है। इनकी नजर में पूरी दुनिया एक है एक। गंगा को सिर पर रखकर करोड़ों जीवों को जीवन दिया है इन्होंने, ये हर कमजोर के साथ ही है। अगर धोखा दे दिया मैंने तो अर्धनारीश्वर हमें कैसे मानेंगे? ए, ए, कुटला! ए, ए, ए। शंकर, मुझसे एक वादा कर, तू आज के बाद कभी गन नहीं पकड़ेगा। सेंटिमेंट्स नॉट अलाउड, समझा क्या? जब तक मैं हूं यमराज भी नॉट अलाउड। सुकन्या, बहन को ले आओ।
जरा अपनी गन मुझे देना। नहीं नहीं रुक जा चारे। नहीं